तो दोस्तों आज जो है रिपेयरिंग कोर्स का जो है दूसरा दिन का क्लास है और आज की इस क्लास में जो हम यहाँ पे जानेंगे, मेरे पास जो है टोटल चार बॉक्स है और ये चार बॉक्स में यहाँ पे जो है सभी तरह के मोबाइल रिपेयरिंग में जो भी कंपोनेंट जो भी इसमें जो है यहाँ पे एसेसरीज जो भी इसमें रिपेयरिंग के लिए हमें चाहिए होता है वो सभी तरह के यहाँ पे मेरे पास लगभग अवेलेबल है। तो यहाँ पे सभी चीज़ें के जो हम एक एक करके इसमें हम बारीकी से जानेंगे और इसका काम क्या है, काम कैसे करता है, कहाँ पर यूज होता है, ये किस तरह से इसमें लगाया जाता है, ये सब जो है हम आपको इसमें पूरे डिटेल्स में बताने वाले हैं। तो अभी जो है इसको हम यहाँ पे इसमें स्टार्टिंग करते हैं चार्जिंग से, तो फिर यहाँ पे चार्जिंग से करते हैं, फिर हम एक एक करके बताते हैं। तो चलिए यहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप अच्छे से इसको देखें, अगर नहीं समझ में आता है तो आप दोबारा इसको जो है पॉज करके देखें, तो फिर अगर कुछ भी आपको कन्फ्यूजन रहता है तो नीचे हमें कमेंट करें। तो चलिए यहाँ पर इसको हम स्टार्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पे रिपेयरिंग करने के लिए मैं कुछ इस तरह से बॉक्स में जो है अपना रिपेयरिंग का जो भी एसेसरीज है जो भी पार्ट्स है वो मैं यहाँ पे इस तरह के बॉक्स में रखा हूँ ताकि इसमें जो है जब भी हम इसमें रिपेयरिंग करते हैं इसमें कुछ भी इसमें जो है पार्ट्स हमें जो भी ज़रूरत है उसको सही टाइम पर और जल्दी मिल सके, जिससे कि कम समय में जो है यहाँ पर अपना जो भी मतलब पार्ट्स हमें चाहिए होता है वो मिल जाता है और उसको ईजी तरीके से हम यहाँ पर लगा पाते हैं, ढूंढने में भी जो है काफ़ी इसमें ईजी होता है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे इस बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ जो है मोबाइल रिपेयरिंग में जितने भी तरह के मोबाइल फ़ोन है, चाहे वो कीपैड फ़ोन हो चाहे स्मार्टफोन हो, सभी तरह के मोबाइल फ़ोन में जो भी चार्जिंग पिन यहाँ पे जो कि चार्जिंग सॉकेट लगता है वो यहाँ पे पार्ट्स है, चार्जिंग कनेक्टर यहाँ पे सभी तरह के यहाँ पे रखे हुए हैं। तो मोबाइल रिपेयरिंग में जो है काफ़ी बहुत तरह के जो है यहाँ पे चार्जिंग कनेक्टर हमें जो है चाहिए होता है। तो सबसे ज़्यादातर जो है यहाँ पे कौन सा चार्जिंग कनेक्टर ज़्यादा यूज होता है, कौन सा कम होता है, कौन सा बहुत कम होता है, वो सब चीज़ यहाँ पे बताने वाले हैं। तो अगर आप नया दुकान देना चाह रहे हैं, आप नया दुकान देने वाले हैं, तो जो भी आप इसमें चार्जिंग कनेक्टर लें तो मैं यहाँ पर जिस तरह से आपको बताऊँगा उसके हिसाब से यहाँ पर आप ले सकते हैं। जो कि ज़्यादा डिमांड रहेगा वही आप लेंगे तो फिर वो आपका यूज में आएगा, नहीं तो फिर आपका मेरे पास जैसे मैं बहुत सारा एक साथ में ले लिया था तो फिर अभी तक जो है वो मेरा मतलब यूज होके पूरा ख़त्म भी नहीं हुआ है। तो वो काम आपको नहीं करना है, उसमें आपका पैसा जो है फंसे ना, उसके लिए जो है मैं अपना तरफ से पूरी सजेशन करूँगा ताकि आपका जो भी चीज़ आप लाए वो चीज़ आपका जो है आपका यूज हो जाए और आपका जो पैसा जो भी पूंजी है वो आपका पूंजी फंसा हुआ नहीं रहे। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हालांकि यहाँ पे जितने भी तरह के आपको मतलब रिपेयरिंग आपका फ़ोन आएगा उसमें जो है सभी तरह के जो है चार्जिंग पिन जो है उसमें मॉडल वाइज आता है, फिर भी बहुत सारा पिन ऐसा होता है जो कि एक ही मॉडल का जो पिन है बहुत सारे मॉडल में लगता है। जैसे कि यहाँ पे ये मेरा पिन है, यहाँ पे देखिए जब हम यहाँ पे बाय किए थे तो यहाँ पे MI Note 4 है और MI Note 4 बोल के आया है वो, और इसमें जो है इसका चार्जिंग पिन जो चार्जिंग सॉकेट है कुछ इस तरह से रहता है। तो इसी तरह आप मॉडल बाय भी ले सकते हैं या फिर आपको जो भी फ़ोन का चार्जिंग पिन चेंज करना है सेम उसी तरह से आपको वही कनेक्टर आपको लगाना है तो फिर आपको जो है परफेक्ट बैठेगा, परफेक्ट आपका उसमें फिटिंग आएगा और परफेक्ट फिटिंग आएगा तो आपका परफेक्ट जो है रिपेयरिंग भी होगा और फिर आपका चार्जिंग के रिलेटेड जो है आपका अच्छा से उसमें प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो ये पिन दोनों जो है एक ही है, जैसे देख सकते हैं इसका जो है मॉडल और इसका भी जो है दोनों एक ही मॉडल है। ये थोड़ा जो है अच्छी क्वालिटी वाला पिन है और ये जो है ये नॉर्मल क्वालिटी वाला पिन है। तो मार्केट में जो है आपको लो क्वालिटी हाई क्वालिटी हर एक चीज़ का जो है उस तरह आपको मिलेगा। तो यहाँ पे मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ। सबसे ज़्यादा तो जो है अभी के टाइम में चलने वाला जो इसमें चार्जिंग कनेक्टर जो सॉकेट है वो ज़्यादातर सबसे ज़्यादा जो है यही वाला यूज होता है, क्योंकि ये जो है लगभग फ़ोन के जितने भी है उसमें जो है मान के चलिए 60 से 70% जो है ये वाला चार्जिंग सॉकेट मतलब सभी के फ़ोन में लगभग जो है अभी के फ़ोन में लगता है जो कि इस टाइम में अभी चल रहा है। ये पिन और ये पिन दोनों सेम है। तो यहाँ पर जो पिन रखा हुआ है यहाँ पर एक ही टाइप का पिन है लेकिन थोड़ा थोड़ा जो है यहाँ पर अलग है। तो यहाँ पर हम आपको इसमें दिखाते हैं, जैसे देखिए ये भी पिन है और ये भी पिन है, ये दोनों पिन सेम है, ये पिन की जगह ये भी लग जाएगा और ये पिन की जगह ये भी लग जाएगा, थोड़ा सा जो है बनावट में अलग है फिर भी इसमें क्वालिटी थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है और इससे भी थोड़ा अच्छा ये क्वालिटी है। ये भी पिन आपका इसके जगह पर लग जाएगा, इसके जगह पर ये भी लग जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया और इसी तरह से जो है एक और यहाँ पर सॉकेट है चार्जिंग जैक है यहाँ पर, ये भी पिन जो है ज़्यादातर इसके जगह पे लग जाएगा। किसी किसी फ़ोन में थोड़ा सा जो है बैठने में ये दिक्कत कर सकता है, हालांकि इसको जब इसमें सही से सेट करेंगे तो आपका ये हो जाएगा। और ये भी जो है चार्जिंग पिन यही वाला है, इसमें क्वालिटी का थोड़ा सा जो है इसमें अंतर है, देख सकते हैं इसका जो है जो ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का रहेगा उसका जो है शाइनिंग आपको ज़्यादा मिलेगा देखने को। जैसे यहाँ पे हम आपको दोनों पिन को यहाँ पे कंपेयर करके दिखाते हैं, जैसे देखिए ये पिन का ज़्यादा इसमें शाइनिंग दिख रहा है, ये पिन का थोड़ा सा जो है कम दिख रहा है। हम आपको एक एक पिन जो है इसको बाहर निकाल के इसमें हम दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो है मेरा दो पिन निकला हुआ है तो मैं इसी को आपको दिखा देता हूँ। जो
तो इसमें डिफरेंस मैं यहाँ पे आपको थोड़ा जूम करके इसमें दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है काफ़ी इसमें अच्छा मतलब देखने को मतलब क्वालिटी इसमें लग रहा है, और ये पिन का जो क्वालिटी है ये थोड़ा सा यहाँ पे लो है इसका। देख सकते हैं इसमें जो है शाइनिंग थोड़ा कम दिख रहा है, इसमें जो है शाइनिंग ज़्यादा दिख रहा है, जिससे ये हमें मतलब देखने से पता भी चलता है कि ये जो पिन है इससे थोड़ा ज़्यादा मजबूत रहेगा, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है। तो इस तरह से जितने भी तरह के यहाँ पे चार्जिंग पिन सॉकेट रहते हैं थोड़ा थोड़ा जो उसमें क्वालिटी का मतलब चेंजेस जो है देखने को मिलता है। तो इसी तरह जितने भी तरह के यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट जो पिन है इसमें थोड़ा थोड़ा जो है क्वालिटी का अंतर रहता है। मान के चलिए जो है ये हमें जो है 2 रुपये खरीदारी पर पीस पड़ रहा है, तो ये जो है यहाँ पे 3 रुपये पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा रेट का भी जो है इसमें अंतर रहेगा, जैसे क्वालिटी रहेगा उसके हिसाब से। यहाँ पर जो है सभी तरह के चार्जिंग पिन का जो सॉकेट है उसको आप अपने हिसाब से खरीद सकते हैं। तो ज़्यादातर जो है इस तरह का जो ये मॉडल है यहाँ पर, जैसे कि ये और ये दोनों जो है लगभग सेम मॉडल है, तो ज़्यादातर जो है फ़ोन के रिपेयरिंग में जो 70% जो यही वाला सॉकेट यूज होता है सबसे ज़्यादा। और बाकी जो है यहाँ पे देखिए जैसे कुछ इस तरह का यहाँ पे जो है इसमें अलग टाइप का जो है ये चार्जिंग सॉकेट है, इसमें एक कोई फ़ोन में जो है इसमें इस तरह का यूज होता है। तो यहाँ पे और है, हम आपको इसमें भी दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे दूसरा टाइप का जो है चार्जिंग पी सॉकेट लिया हूँ, इसमें भी यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है थोड़ा अच्छी क्वालिटी का लग रहा है, ये भी अच्छी का लग रहा है, ये वाला जो है थोड़ा लो क्वालिटी का यहाँ पे लग रहा है। इसको मैं यहाँ पे पलट के आपको दिखा दे रहे हैं। तो जितने भी तरह के चार्जिंग सॉकेट रहता है उसमें जो है थोड़ा थोड़ा जो है क्वालिटी का चेंजेस आता है। जैसे कि आप यहाँ पे ये भी समझ सकते हैं कि पहले जो है इस तरह का चार्जिंग सॉकेट ज़्यादा आता था, अब जो है इस तरह का लाना मतलब बंद कर दिया है, क्योंकि ज़्यादातर जो है कोई भी लेगा तो वो अच्छी क्वालिटी का लेगा। तो इसी तरह का जो है यहाँ पे अभी ज़्यादातर चलता है, तो मार्केट में भी इसी तरह का मिलता है कहीं कहीं, लेकिन बहुत कम आदमी जो है इसका मतलब रखता है, ताकि जो भी वो चीज़ दे वो अच्छी क्वालिटी का दे, जिससे है कि कस्टमर खुश रहे। तो यहाँ पे जो है इसमें जो है इस तरह से चार्जिंग सॉकेट होते हैं। तो यहाँ पे जितना भी देख रहे हैं सभी तरह के यहाँ पे मेरे पास जो है इस डब्बे में सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पे चार्जिंग पिन है, यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ अलग टाइप का है, ये जो है किसी किसी MI के मॉडल में लगता है, यहाँ पर जो है ये नोकिया फ़ोन में लगता है, जो कि पतला पिन वाला जो सॉकेट है यहाँ पर, जैसे एक कोई निकला हुआ हम यहाँ पर दिखाते हैं, जो कि यहाँ पे देखिए पतला पिन का जो इसमें है ये सॉकेट है, ये अभी जो है बहुत कम ही मतलब इसमें रिपेयरिंग में आता है, क्योंकि नोकिया का जो कीपैड फ़ोन है वो बहुत कम रिपेयर आता है, फिर भी जो है इस तरह का जिसमें 2 पिन रहता है, तो वो ये पतला पिन के लिए यहाँ पे चार्जर है। तो इसी तरह यहाँ पर अलग अलग टाइप का जो इसमें सॉकेट है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो नोकिया के कीपैड फ़ोन है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है चार्जिंग पिन जो है 2 पिन वाला इसमें यूज होता है लगता है। और यहाँ पे देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा मेरे पास चार्जिंग सॉकेट है, ये यहाँ पे MI के किसी किसी मॉडल में लगता है, और यहाँ पे एक नोकिया का जो कि काफ़ी 110 मॉडल जो आता था पहले ज़माने के फ़ोन में, उसमें भी जो है इस तरह का जो है चार्जिंग सॉकेट लगता था, यहाँ पर मोटा पिन वाला लगता था, और इसी तरह से जो है इसको सिर्फ वहाँ पर लगा देना होता था, जो कि काफ़ी जो है ईजी है चार्जिंग सॉकेट इसको लगाना और जो है इसको लगाना, सिर्फ वहाँ पर इसको रख देना है, बैठा देना है, उसी से जो है ये कनेक्ट हो जाता है, जो 2 टिप है वो वहाँ पे बोर्ड में कनेक्ट हो जाता है, उसी से जो है चार्ज होने लगता है। तो यहाँ पर इसी तरह जो है मेरे पास यहाँ पे सी टाइप का जो है चार्जिंग सॉकेट है। यहाँ पे अभी जो मेरे पास जो फिलहाल है वो 3 तरह के सी टाइप का जो है चार्जिंग सॉकेट है। इसी तरह जो है बहुत तरह के यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे आते हैं, तो आपको यहाँ पे ये समझिए कि जो चार्जिंग सॉकेट है वो बहुत तरह के होते हैं, जो कि यहाँ पर मेरे पास है, और फिर भी मैं यहाँ पर सभी का जो है कि जितने भी तरह के होते हैं उसका यहाँ पर एक एक करके आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। लेकिन फिर भी जो भी आपको चार्जिंग सॉकेट लगाना है, जो आप जो बोर्ड से निकालेंगे उसमें जिस तरह का चार्जिंग सॉकेट लगा है बिल्कुल उसी तरह से आप लगाएं, तो ही जो है आपका परफेक्ट बैठेगा और सही से जो है वो आपका अपना जो है वर्क करेगा। इसी तरह यहाँ पे जो है ये जो है सैमसंग के जो कीपैड फ़ोन है उसमें जो है ज़्यादातर ये चार्जिंग सॉकेट जो इसमें यूज होता है, जो कि यहाँ पे है, और ये जो है थोड़ा सा अलग है। इसी तरह जो है ये कोई कोई जो है चाइना फ़ोन जितने होते हैं कीबोर्ड के उसमें लगता है, या फिर किसी किसी ब्लूटूथ स्पीकर वो सब में लगते हैं। इसी तरह से थोड़ा सा यहाँ पर अलग जो है इसमें एक थोड़ा सा मतलब स्पेस ज़्यादा दिया है, उसी तरह एक चार्जिंग सॉकेट है। फिर एक यहाँ पे जो है सैमसंग के J2, J6, J7 के फ़ोन में जो लगते हैं वो चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे है, जो कि यहाँ पे जो सैमसंग के जो फ़ोन में रहते हैं उसका जो चार्जिंग सॉकेट है थोड़ा सा जो है ज़्यादा मजबूत मतलब रहे उस तरह से यहाँ पर रहते हैं, जो कि यहाँ पर ये है। और एक और यहाँ पर है, ये भी जो है सैमसंग के मतलब स्मार्टफोन में ज़्यादातर या फिर कीपैड फ़ोन में भी जो है दोनों में ये यूज होता है। और एक और यहाँ पे जो है एक ये मतलब ज़्यादातर जो है जियो फ़ोन हो गया या फिर इसमें कीपैड फ़ोन हो गया, जियो फ़ोन में कम लेकिन ज़्यादातर जो है चाइना कीपैड फ़ोन में ये चार्जिंग सॉकेट जो है इसमें यूज होता है। और ये जो है ये भी कीपैड फ़ोन में यूज होता है, जो कि ये बहुत कम यूज होता है,
मतलब ये जो है अगर आप ले भी तो एक से दो पीस ही लें, उससे ज़्यादा आपको इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसका बहुत ही कम जो है इसको यूज होता है। और ये यहाँ पे जो है ये चार्जिंग सॉकेट है, ये जियो फ़ोन का है और ये आईटेल का जो कीपैड फ़ोन है उसका जो है चार्जिंग सॉकेट है। तो यहाँ पे इसमें सिर्फ उसी का रखा हुआ है, यहाँ पे कोई निकला हुआ है तो उसको मैं आपको आपको इसमें दिखा दे रहा हूँ अच्छे से। तो जो आईटेल का जो है, आईटेल का और जियो फोन की जो इसमें बटन वाला आते हैं उसमें जो है ज़्यादातर कुछ इस तरह से चार्जिंग सॉकेट इसमें रहता है। अब यहाँ पे लास्ट में जो बच गया है, यहाँ पे जो है इस तरह का जो चार्जिंग सॉकेट है ये ज़्यादातर जो है वीवो के फ़ोन में और ओप्पो के फ़ोन में ज़्यादातर जो है यूज होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ अलग अलग टाइप का जो है यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट है। तो ये जो है वीवो और ओप्पो के फ़ोन में ज़्यादातर जो है यूज होते हैं। तो यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट मेरे पास जितने भी चार्जिंग सॉकेट जो अभी के टाइम में जो यूज होते हैं, चाहे वो कीपैड फ़ोन हो आप या स्मार्टफोन हो, तो लगभग जो है सभी तरह के इसमें सेट मतलब इतना में आपका आ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो है रनिंग मॉडल 70% इसका है, उसके बाद जो है ये सैमसंग के कीपैड फ़ोन में इसका लगभग 5% है, इसके बाद ये जो है ये 10% है, बाकी के जो है ये इसमें इसका भी आप 5 से 10% मान सकते हैं जो कि जियो फ़ोन है। बाकी ये सब जो है बहुत ही कम यूज होता है, ये सब यूज होते हैं लेकिन हालांकि बहुत कम यूज होते हैं, फिर भी आप मेल के लिए ज़्यादा नहीं रखें। अगर ना आप स्टार्टिंग में हैं तो थोड़ा थोड़ा ये रखें तो ये आपके लिए सही रहेगा। बाकी बात इसमें जो है कोई कोई ऐसा भी सॉकेट रहता है जो हमें हमारे पास अवेलेबल नहीं रहता है, तो जो जिसमें लगभग लग सके उसको उस तरह से आप सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये सॉकेट में जो है 4 लेग है और वहाँ पे 4 लेग जो उसमें सही से मेरा वहाँ पे सेट नहीं आ रहा है, तो ये लेग को इसको हम सीधा कर देंगे और फिर सोल्डिंग कर देंगे तो उस तरह से भी हो जाएगा, वो काम करते करते आपको जो है एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट का मैं यहाँ पे बता दिया हूँ, अब जितना भी तरह के चार्जिंग सॉकेट होते हैं वो, तो अब जब भी चार्जिंग सॉकेट खरीदें तो आप उसमें मॉडल वाइज खरीदें या फिर अपना जो आपका फ़ोन में लगा हुआ है उस तरह से खरीदें, पर एक साथ में जो है ज़्यादा नहीं खरीदें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो ज़्यादा रनिंग मॉडल है वो 20 पीस खरीदें, 30 पीस खरीदें, फिर आपका जिस तरह से ज़रूरत रहता है, जिस तरह से ज़्यादा आपका उस तरह से डिमांड रहता है वो चार्जिंग सॉकेट खरीदें। तो फिर ये जो है आपके पास ज़्यादा मतलब ऐसा कोई सॉकेट नहीं है आपके पास स्टॉक में रहेगा जिसका यूज में नहीं होगा, तो फिर जिस तरह से आपका यूज होगा उसके हिसाब से आप खरीद के लाएंगे मार्केट से, तो आपका भी उसमें सही रहेगा और अच्छा भी रहेगा। तो यहाँ पर जो है ये चार्जिंग सॉकेट यहाँ पर सभी तरह के अलग अलग बोर्ड में लगते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको इस बोर्ड में मेरा यहाँ पर जो है ये चार्जिंग बोर्ड है जो कि स्मार्टफोन के हैं, तो इसमें हम आपको दिखा देते हैं कि सभी तरह के चार्जिंग पिन जो है किस किस तरह से यहाँ पे लगा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो चार्जिंग बोर्ड है इसमें कुछ अलग टाइप का जो है सॉकेट लगा हुआ है, और जब भी आप चार्जिंग सॉकेट लगाएं तो एक चीज़ का जो है आप उसमें ध्यान आपको रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप जैसे ये चार्जिंग सॉकेट है तो इसमें जब हम केबल लगाते हैं तो ये जो है मेरा केबल कुछ इस तरह से लगता है, जैसे इस तरह से केबल लगा, यानी कि जो यहाँ पे दो इसमें पॉइंट दिए हैं, एक ये और एक ये, जो कि पिन जैसा यहाँ पे जाके लॉक होता है, ये जो है इस तरह मेरा ऊपर की साइड में रहता है। और यहाँ पे जब जब भी आप इसमें चार्जिंग पिन रिप्लेस करें तो यहाँ पर जो है आपको इस तरह से लगे वो वाला चार्जिंग पिन, नहीं आपको चार्जिंग सॉकेट लगाना, नहीं तो जो है वो आपका प्लस की जगह जो है माइनस हो जाएगा और माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, यानी कि जो है बोर्ड आपका उल्टा हो जाएगा माइनस प्लस का कनेक्शन, जिसके कारण जो है आपका बोर्ड भी ख़राब हो सकता है, फ़ोन भी जो है डेड हो सकता है। तो यहाँ पे ये हो गया, और फिर हम आपको आगे इसमें दिखाते हैं। जैसे एक यहाँ पे जो है इस तरह का चार्जिंग सॉकेट लगा हुआ है, ज़्यादातर जो है 70% यही वाला सॉकेट यूज होता है, और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, देखिए इसमें भी जो है वही 70% यूज होने वाला ज़्यादातर चार्जिंग सॉकेट है। और यहाँ पे जो है ये सी टाइप का जो है चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे इसमें लगा हुआ है, इसमें भी जो है यहाँ पे सी टाइप का चार्जिंग सॉकेट लगा हुआ है, इसमें भी देखिए यहाँ पे जो बोले कि ज़्यादातर यूज होता है चार्जिंग सॉकेट वही वाला लगा हुआ है, इसमें भी जो है वही वाला लगा हुआ है ज़्यादातर जो है यूज होता है, सो इसमें भी वही वाला लगा हुआ है, और इसमें भी जो है वही वाला लगा हुआ है जो कि 70% है, इसमें भी जो है 70% जो मैं बोला था ज़्यादा यूज होता है यही वाला सॉकेट इसमें भी लगा हुआ है, इसमें भी वही है देख सकते हैं। तो ऑलमोस्ट जो है इसमें थोड़ा सा जो है अलग चार्जिंग सॉकेट लगा हुआ है, देखिए कुछ इस तरह से है। और जब भी आप चार्जिंग पिन इसमें रिप्लेस करें तो सबसे जो है आपको जब भी आप इसमें रिप्लेस करें जो इस टाइप का जो सॉकेट रहता है इसमें ज़्यादातर जो है कन्फ्यूजन हो जाता है, जैसे देखिए यहाँ पे इस तरह से चार्जिंग सॉकेट जब है तो इसमें कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि जब भी आप सॉकेट लगाएंगे तो थोड़ा 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 उसमें चेंजेस रहेगा। तो ये इस तरह का जब भी आप चार्जिंग सॉकेट लगाएं तो ये आप देख के लगाएं कि अगर पहले से आपका इस तरह से लग रहा है तो इसी तरह से केबल लगे उसी तरह से लगाना है, इधर वाला आपको ऊपर में नहीं लगाना है, अगर ये आपका उल्टा लग जाएगा
तो फिर यहाँ पे जो है आपका ये दिक्कत हो सकता है। ऐसे इसके रिलेटेड जो है यहाँ पे इस चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा कि जब भी चार्जिंग पिन आप सॉकेट चेंज करें तो जो है उसको किस तरह से वहाँ पे आप लगाएं। इसका जो है लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा जो कि इस वीडियो में बताया हूँ। बाकी यहाँ पे देखिए ये भी चार्जिंग सॉकेट उसमें वही लगा है जो कि ज़्यादातर यूज होता है, इसमें भी वही है। तो ऑलमोस्ट जो है जितने भी मेरे पास यहाँ पे बोर्ड है इसमें जो है जैसे वीवो का है और इसमें जो यूज हुआ है वो वीवो का जो चार्जिंग सॉकेट है कुछ इस तरह से रहता है, इसी का इसमें यूज हुआ है। एक इसमें भी जो है थोड़ा सा अलग वाला जो चार्जिंग सॉकेट यूज हुआ है, इसमें भी जो है देखिए इसी तरह से है। तो यहाँ पे जितना भी आप मान के चलिए इसमें मेरे पास 20 बोर्ड है, तो 20 बोर्ड में से जो है यहाँ पे इस तरह का जो चार्जिंग बोर्ड है वो मेरा जो है 10 बोर्ड में है, यानी कि 50% मेरा जो है इसी तरह के चार्जिंग पिन यूज होता है। और ये जो बोर्ड है ये यहाँ पे ज़्यादातर जो है नीचे की साइड में लगा हुआ रहता है, और किस तरह से लगा हुआ रहता है मैं यहाँ पर आपको इसमें दिखा देता हूँ। है और ये फ़ोन जो है यहाँ पर कुछ इस तरह से आपके पास फ़ोन आ जाएगा जब भी इसमें आप रिपेयरिंग करेंगे तो फिर। और यहाँ पे जो फ़ोन है यहाँ पे नीचे की साइड में जो है ये स्पीकर है, ऊपर की साइड में ये स्पीकर या फिर इसको रिंगर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे में जो बोर्ड लगा हुआ है इसको हम यहाँ पे सीसी बोर्ड बोल सकते हैं या फिर चार्जिंग बोर्ड बोल सकते हैं या फिर इसको जो है सेकेंडरी बोर्ड बोल सकते हैं। तो सभी तरह के यहाँ पे अलग अलग फ़ोन में अलग अलग टाइप का मॉडल यहाँ पे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे जो है सभी तरह जितना भी बोर्ड है कुछ ना कुछ अलग मॉडल का अलग टाइप का जो है बोर्ड है। तो जो भी आपका पास फ़ोन है उसमें उसके मॉडल के हिसाब से बोर्ड आता है, तो यहाँ पे बोर्ड लगा देना है। और यहाँ पे जो है इस तरह से यहाँ पे कनेक्टर रहेगा, तो ये कनेक्टर में यहाँ पे आपका फ्लेक्स कनेक्ट होगा और ये फ्लेक्स यहाँ पे कनेक्ट होके ये जो है मेन बोर्ड पे जो है दूसरा फ्लेक्स कनेक्ट होगा, तो ये मेन बोर्ड से जो है कनेक्शन यहाँ पे इसका हो जाता है। तो इसी तरह से जो है सभी तरह की इस तरह चार्जिंग बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ रहता है। और जब यहाँ पे इसमें चार्जिंग वाला बोर्ड अलग से रहता है तो इसमें जो है हमें रिपेयर करने में भी इजी होता है, क्योंकि मेन बोर्ड में जो है काम नहीं करना पड़ता है, जिससे कि हमें यहाँ पे अगर आगे चल के बोर्ड में कहीं पे कुछ शॉर्ट भी हो गया तो डायरेक्ट ये बोर्ड चेंज कर देने से प्रॉब्लम जो है यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। ऐसे ज़्यादातर जो है सॉकेट चेंज करने से ही हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से चार्जिंग का जो है बोर्ड होता है, सीसी बोर्ड होता है। और ये जो चार्जिंग बोर्ड है इसमें क्या क्या रहता है वो भी हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। ज़्यादातर जो है यहाँ पे एक चार्जिंग सॉकेट रहेगा, और फिर एक यहाँ पे जो है ईयरफोन का जो है यहाँ पे जैक रहेगा, और फिर यहाँ पे जो है एक माइक रहेगा, जो भी हम सामने वाले से जिससे हम बात करते हैं तो मेरा जो आवाज़ है वो सामने वाला कोई माइक के द्वारा जो है जाता है, तो ये माइक रहेगा। बाकी जो है यही सब सभी के बोर्ड में रहेगा। तो यहाँ पे जितने भी तरह के बोर्ड रहते हैं सभी में जो है लगभग उसी तरह से रहते हैं, किसी किसी में जो है ईयरफोन का नहीं रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट है और इस टाइप में यहाँ पे जो है माइक है, ये जो यहाँ पे एंटीना जो है इसमें करने के लिए कनेक्ट करने के लिए टिप है, और यहाँ पर एक कनेक्टर है। तो ये जो किसी किसी में जो ईयरफोन का यहाँ पे जैक नहीं रहता है वो मेन बोर्ड में रहता है, इसलिए इसमें जो है नहीं दिया है। तो यहाँ पे चार्जिंग के रिलेटेड जो है लगभग मैं यहाँ पे बता चुका हूँ, अब जो है आगे हम आपको इसमें बता देते हैं। यहाँ पर जो है इसी तरह से मेरे पास जो है दूसरा बॉक्स है, और ये बॉक्स में जो है मेरा यहाँ पे बैटरी कनेक्टर इसमें है। तो यहाँ पे कितने तरह के बैटरी कनेक्टर होते हैं वो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ज़्यादातर जो है बैटरी कनेक्टर, सबसे पहले आप ये समझें कि बैटरी कनेक्टर जो है रिपेयरिंग में रिप्लेस करने के लिए बहुत ही जो है कम आता है, और ज़्यादातर जो है वो कीपैड फ़ोन में आता है, वो भी मान के चलिए सॉप फ़ोन आपके पास रिपेयरिंग के लिए आता है तो उसमें से जो है दो ही फ़ोन में जो है बैटरी कनेक्टर रिप्लेस करने के लिए आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, और ये बहुत ही कम आएगा। तो इसीलिए बैटरी कनेक्टर जब भी आप मार्केट से लें तो कम से कम में रखें, ज़्यादा नहीं रखें, सिर्फ मेल के लिए रखें और दो चार पीस ही रखें, ज़्यादा नहीं रखें, क्योंकि इसका जो है आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हार्डली जो है 5 पीस के तक मतलब ले सकते हैं, वही आपका काफ़ी दिन जो है इसमें चल जाएगा। तो मेरे पास जो यहाँ पर बैटरी कनेक्टर है कुछ इस तरह से है, इसको हम यहाँ पर बाहर करके इसमें दिखा देते हैं। ये जो बैटरी कनेक्टर है ये ज़्यादातर जो है जियो फ़ोन और कीपैड फ़ोन में जो है बैटरी कनेक्टर ये यूज होते हैं, कुछ इस तरह से रहते हैं। तो ये यहाँ पे जब भी आप बैटरी कनेक्टर रिप्लेस करें तो जो भी आपका उस फ़ोन में जिसको आप रिपेयर कर रहे हैं उस फ़ोन में जो बैटरी कनेक्टर लगा हुआ है सेम उसी तरह से जो है उसको आप देख के उस तरह से मैच करके बैटरी कनेक्टर आप लगाएं, तो फिर आपको जो है परफेक्ट बैठेगा और सही से वर्क भी करेगा। इसी तरह से इससे जो है थोड़ा सा जो है यहाँ पर अलग टाइप का जो है ये बैटरी कनेक्टर है, लगभग सेम है, थोड़ा सा जो है अलग है, साइज़ का भी थोड़ा बहुत इसमें अंतर रहता है। तो इसी तरह से ये बैटरी कनेक्टर है, और फिर यहाँ पे जो है ये जो बैटरी कनेक्टर है यहाँ पे ये जो है इसमें एंड्रॉयड फ़ोन का बैटरी कनेक्टर है, तो ये जो ज़्यादातर जो है एंड्रॉयड फ़ोन की बैटरी कनेक्टर में यूज होता है। मैं यहाँ पर जो हूँ इतना ले लिया हूँ, लेकिन मेरा जो है ये मुश्किल से जो है मैं यहाँ पर
मतलब 5 से 10 कनेक्टर ही इसका यूज मेरा आया होगा, मैं लगाया होगा। इसीलिए जब भी आप लें तो ज़्यादा मत लें, नहीं तो जो है आपका मतलब झूठ मूठ का पैसा आपका लगने वाला हिसाब हो जाएगा। तो आपका ऐसा मतलब कम से कम लें, इसमें यहाँ पे ये आप लेना चाहते हैं तो 10 पीस ले लें, ज़्यादा से ज़्यादा 5 पीस ऐसे लेंगे तो उसमें भी आपका हो जाएगा, तो ये भी आप ले सकते हैं। और यहाँ पर जो है ये बैटरी कनेक्टर है, ये भी जो है ये ज़्यादातर जो है नोकिया के कीपैड फ़ोन में ये वाला बैटरी मतलब कनेक्टर लगता है, जो कि पुराना मॉडल है। अभी तो बहुत ही कम ही मतलब अभी के टाइम में बहुत ही कम ही इसका यूज होता है। और इसी तरह से एक और बैटरी कनेक्टर है जो कि यहाँ पे है, थोड़ा अलग टाइप का है। ये जो है सैमसंग के कीपैड फ़ोन में ये बैटरी कनेक्टर यूज होते हैं। ये जो है इसका थोड़ा बहुत इसमें काम आता है, क्योंकि सैमसंग के कीपैड फ़ोन ज़्यादा रनिंग मॉडल है और वो भी इसमें कभी कल इसमें इसका ज़रूरत पड़ता है। तो अगर आप ये लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है 10 पीस इसको स्टॉक रखें, इसको आप 10 से 20 पीस रख सकते हैं, फिर भी उतना भी ज़्यादा नहीं रखना, क्योंकि बैटरी कनेक्टर रिप्लेस करने के लिए काम जो है बहुत ही कम आता है। इसी तरह से एक और यहाँ पे छोटा छोटा टाइप का जो है बैटरी कनेक्टर है, ये भी कीपैड फ़ोन में किसी किसी चाइना फ़ोन में या फिर कोई माइक्रोमैक्स इस सब में जो है यूज होता है, तो ये भी आप मेल के लिए सिर्फ 5 पीस रखें तो काफ़ी है। तो बैटरी कनेक्टर यहाँ पर जो है एक और टाइप का है, जो कि चाइना के कीपैड फ़ोन में बैटरी कनेक्टर लगता है, यहाँ पर कुछ अलग टाइप का है, इसको हम यहाँ पर दिखा देते हैं निकाल के। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से इसका बैटरी कनेक्टर है, जो कि बैटरी यहाँ पे इसमें जो इस ये बैटरी कनेक्टर जिसमें है कि बैटरी फंस जाता है, उस तरह का बैटरी कनेक्टर है। ये भी अभी के टाइम में बहुत ही कम ही मतलब यूज होता है। यहाँ पे जो है बैटरी कनेक्टर मेरे पास इतना ही है, जो कि काफ़ी जो है मतलब मेरा सभी तरह के काम हो जाते हैं और बहुत ही कम ही बैटरी कनेक्टर यूज होता है। और कभी कल ऐसा कोई बैटरी कनेक्टर आपको ज़रूरत पड़ता है तो मार्केट से आप ले लें, अब उसमें स्टॉक उतना रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही कम उसका रिप्लेस करने के लिए आता है। यहाँ पर जो है मेरा यहाँ पे मेमोरी कनेक्टर है, तो यहाँ पे मेमोरी कनेक्टर इसका भी जो है बहुत ही कम यूज होता है, क्योंकि ये जो कीपैड फ़ोन का जो है मेमोरी कनेक्टर है, और अभी के टाइम में जो है मेमोरी कनेक्टर मतलब शायद को यही रिपेयर कराता, नहीं तो नहीं कराता है। और ये मेरे पास जो है यहाँ पे जैना डायोड है, जब भी आपका कीपैड फ़ोन में चार्जिंग आईसी आपका ख़राब हो जाता है तो यहाँ पे एक साइड में जो है ये ब्लैक के टाइम में जिधर आपका ब्लैक साइड में दिख रहा है ये बैटरी कनेक्टर के प्लस पॉइंट में लगा दें, और ये जो है ये चार्जिंग पे कनेक्टर पे लगा दें जहाँ पे 5 वोल्ट देता है, तो फिर यहाँ पे जो है इधर से डायरेक्ट यहाँ पे पावर चल जाएगा बैटरी, जिससे कि आपका चार्ज हो जाएगा। चार्जिंग ऐसी ख़राब होने पे इसका यूज होता है। और यहाँ पर जो है मेरे पास जो इसमें आयरन का यहाँ पे बिट रखा हुआ है, और यहाँ पे फ़ोन में जो ये सैमसंग कीपैड फ़ोन का जो वाइब्रेटर रहता है वो है यहाँ पे। ये जो है मेरा यहाँ पे इसमें डीसी मशीन का इसमें जो है छोटा सा चिमटा मैं लिया हूँ, तो ये इसका यूज अपना इस तरह का जब यहाँ पे केबल में आपका इस तरह लगाने के लिए आपका ज़रूरत पड़ सकता है, जब आप डीसी मशीन लेंगे या फिर यहाँ पे प्लस माइनस इसको हीट मारने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं उसके लिए है। तो ये उतना ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप अपना ज़रूरत के हिसाब से इसको ले भी सकते हैं, नहीं भी लेंगे तो कोई इसका जो है उतना यूज नहीं है। तो यहाँ पर जो है बैटरी कनेक्टर का मैं यहाँ पे लगभग इसमें दे दिया हूँ। अब जो है मेरे पास यहाँ पे तीसरा बॉक्स है, और इस बॉक्स में जो है मेरा यहाँ पे रिंगर, ईयरपीस, स्पीकर, ये सब जो है यहाँ पे इस बॉक्स में है। तो यहाँ पे मैं इसमें एक एक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जो है मेरे पास ये जो है ईयर स्पीकर इसको बोलते हैं, जो कि कीपैड फ़ोन के में ज़्यादातर इस तरह तार वाला यूज होते हैं, फिर भी इसका जो है बहुत ही कम यूज है, मान के चलिए 100% में इसका जो है 2 ही % इसका यूज आता है। इसी तरह से यहाँ पे ये भी ईयर स्पीकर है, ये ईयर स्पीकर, ईयर मतलब कान हो गया और स्पीकर मतलब ईयर के पास लगने वाला स्पीकर हो गया। तो यहाँ पे जो हम जब भी कॉल के दौरान किसी से फ़ोन में बात करते हैं तो कान में जो सुनाई देता है वो यही स्पीकर के कारण सुनाई देता है। तो यहाँ पे जैसे देखिए ये स्पीकर और ये स्पीकर में अंतर ये है कि इसमें यहाँ पे 2 टिप है, ये दोनों टिप बोर्ड में जाके कनेक्ट होता है, जिससे कि पावर इसको मिलता है और ये फिर कनेक्ट होता है, मतलब अपना काम करता है, साउंड देता है। इसी तरह से ये जो स्पीकर है इसमें जो है यहाँ पे तार लगा हुआ है, ये तार जो है बोर्ड में जाके सोल्डिंग करना पड़ता है, फिर जो है स्पीकर काम करता है। तो ये स्पीकर कहाँ पर लगा हुआ है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ईयर स्पीकर जो कि यहाँ पे लगा हुआ रहता है वो ईयर स्पीकर यही वाला इसी तरह के लगा हुआ रहता है। यहाँ पे हम आपको इसमें रिमूव करके आपको दिखा देते हैं कि कहाँ पे और किस तरह से जो है ईयर स्पीकर ये लगा हुआ रहता है। देखें जैसे इसको मैं यहाँ पे ओपन किया हूँ, तो ये जो ईयर स्पीकर है अगर कभी इसमें जब भी रिपेयरिंग के लिए आता है, जब आपका मतलब फ़ोन में जो है कान के पास जब जो आवाज़ आना चाहिए वो नहीं आता है, तो ये स्पीकर ख़राब हो जाने से यहाँ पे दिक्कत होता है। तो ये स्पीकर यहाँ पे जो है इसको हटा के दूसरा ईयर स्पीकर यहाँ पर लगा देंगे, तो ये जो है
फिर अपना काम करने लगेगा। अगर आपका स्पीकर ख़राब रहा तो जैसे कुछ इस तरह से ये आपका सेट हो जाएगा, और फिर जो है इसको यहाँ पे जब सेट करेंगे तो इसमें जो है दो टिप लगा हुआ रहता है, यहाँ पे एक यहाँ पे टिप है, एक यहाँ पे टिप है, ये दोनों टिप जो है ये स्पीकर के दोनों पॉइंट से जो है कनेक्ट हो जाता है जब इसको यहाँ पर कुछ इस तरह से लगाते हैं तो ये इस तरह से लगाने से जो है कनेक्ट हो जाता है और फिर अपना जो है ईयर स्पीकर काम करता है। तो इसी तरह से यहाँ पर जो है इसमें जो भी जो है लगभग ये सभी तरह के ईयर स्पीकर हैं, जो है बिना तार वाला है, तार वाला है, यहाँ पर भी जो है ये ईयर स्पीकर है। इसमें जो है ये जियो फोन में जो ईयर स्पीकर रहते हैं वो थोड़ा सा जो है साइज़ में हल्का थोड़ा सा बड़ा रहता है, ये जियो फोन का ईयर स्पीकर है, किसी किसी स्मार्टफोन में एंड्रॉयड फ़ोन में भी रहता है। तो ईयर स्पीकर भी ये सब भी जो है रिपेयरिंग के लिए आता है, लेकिन फिर भी जो है ये सब स्टॉक में आप स्टार्टिंग में मतलब 10 पीस रख सकते हैं। बाकी ये जो है ये रिंगर है, इसको आप स्पीकर भी बोल सकते हैं, रिंगर भी बोल सकते हैं। ये जो है जियो फोन के स्पीकर है, और जो कीपैड फ़ोन है आईटेल के है या फिर कोई भी बटन वाला जो फ़ोन है उसमें ज़्यादातर जो है ये स्पीकर यूज होता है, जो कि बड़ा साइज़ का जो भी ये सब स्पीकर है ये कीपैड फ़ोन में जो है ज़्यादातर ये स्पीकर यूज होते हैं। और यहाँ पर जो है ये स्पीकर जो यहाँ पर देख रहे हैं ये एंड्रॉयड फ़ोन में, और ये वाला जो इस टाइप का जो स्पीकर है ये सैमसंग के कीपैड फ़ोन में यूज होता है, ये सैमसंग के ही कीपैड फ़ोन में लगता है, कोई दूसरा फ़ोन में नहीं लगता है। और इस तरह का जो है वो चाइना मोबाइल में कीपैड फ़ोन में या फिर एंड्रॉयड फ़ोन में जो जिसमें जिस तरह का स्पीकर लगा हुआ है उसको उसी तरह से आप लगा देंगे, बस उसमें परफेक्ट बैठना चाहिए। बाकी आपका उसमें जो है छोटा है बड़ा है उससे कोई मतलब नहीं है, आपका काम करेगा, वहाँ पर सही से बैठ जाना चाहिए, जो भी कवर है ढक्कन है उसको सही से लग जाना चाहिए, वो स्पीकर वहाँ पर लगा सकते हैं। आपको अगर ये स्पीकर है वहाँ पर साउंड कम दे रहा है तो यहाँ पे ये भी स्पीकर आप लगा सकते हैं, इसमें कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसी तरह से यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा साइज़ का स्पीकर है, और ये स्पीकर जो है ये आईटेल के कीपैड फ़ोन में ज़्यादातर लगा हुआ रहता है, और किसी किसी आईडी मतलब कीपैड फ़ोन में भी लगा हुआ रहता है, लेकिन ज़्यादातर जो है इस तरह का गोल्डन टाइप का जो रहता है वो आईटेल के कीपैड फ़ोन में ही लगा हुआ रहता है। यहाँ पर भी जो है इसमें भी जो है मेरा सैमसंग का जो है स्पीकर मतलब रखा हुआ है, ये सैमसंग में लगने वाला स्पीकर है, और सैमसंग में लगने वाला स्पीकर जो है इसमें दो टाइप के आते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये जो सैमसंग ये जो स्पीकर है इसका जो पॉइंट है वो आगे की साइड में है, और ये स्पीकर जो है इसमें पीछे की साइड में है। तो ये जो स्पीकर है ये सिर्फ 1200i मॉडल में ये वाला स्पीकर यूज होता है, और बाकी के सैमसंग कीपैड फ़ोन में ये वाला यूज होता है। जैसे यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं ये वाला जो फ़ोन में है ये वाला स्पीकर जो है इस तरह के मॉडल में यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे या इधर से ही आवाज़ आता है, इसीलिए इधर पीछे तरफ से आवाज़ नहीं आता है। और ये सब जो स्पीकर है वो इस तरह के कीपैड फ़ोन में यूज होता है इस तरह के स्पीकर। तो बाकी आप सेम स्पीकर मिला के लेंगे तो आपका जो है परफेक्ट उसमें सही से ये पॉइंट आपका कनेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे ये स्पीकर की जगह इसको भी लगा सकते हैं, यहाँ पे आपको जम्पर करके तार जोड़ के डायरेक्ट वहाँ पे पॉइंट पे सोल्डिंग करना पड़ेगा, उससे भी आपका लग जाएगा। और ये जो स्पीकर है ये नोकिया के कीपैड फ़ोन में ज़्यादातर जो है ये मतलब स्पीकर यूज होता है नोकिया के कीपैड फ़ोन में, ठीक है। अब जो है यहाँ पे ये स्पीकर रहा, ये स्पीकर जो है ये MI का स्पीकर है, MI का जो भी रिंगर स्पीकर होता है उसको अगर आपका आवाज़ फट रहा है, आवाज़ सही से नहीं आ रहा, कम आ रहा है, तो यहाँ पे ये रिंगर स्पीकर को हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं तो फिर जो है मेरा इसमें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे ये स्पीकर कहाँ पे किस तरह से लगा हुआ रहता है, उसको कैसे चेंज किया जाता है, वो भी हम यहाँ पे आगे आपको बता देते हैं। यहाँ पर भी जो है मेरे पास यही स्पीकर है, और ये जो है ये सैमसंग के एंड्रॉयड फ़ोन में जो है इस तरह का स्पीकर यूज होता है, जो कि यहाँ पे इसमें थोड़ा सा इसमें जो है फ्लेक्स के साथ में जुड़ा हुआ रहता है, जैसे देख सकते हैं, तो वहाँ पे पॉइंट दिया हुआ रहता है फिर कनेक्ट होता है इसी तरह से है। और ये जो है मेरे पास यहाँ पे ईयरफोन का जो है इसमें सॉकेट है, ईयरफोन जैक है, जो कि यहाँ पे MI फ़ोन की मेरे पास जो है ईयरफोन का सॉकेट है। ज़्यादातर जो है ये सॉकेट जो है अधिकतर मॉडल में लग जाता है, ये भी ईयरफोन का जो है सॉकेट ये भी चेंज करने के लिए बहुत ही कम आता है, ये आप मुश्किल से 5 पीस रखें, क्योंकि ज़्यादातर जो है इसको क्लीनिंग करने से इधर अगर कहीं पर डस्ट चल गया कुछ चल गया तो उसको क्लीन कर देने से इसका जो है मतलब ईयरफोन जैक में कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो वो प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाता है। और यहाँ पर जो है मेरे पास मतलब अलग अलग टाइप का जो है इसको रिंगर है, रिंगर स्पीकर बोल सकते हैं, रिंगर भी बोलिए स्पीकर भी बोलिए, तो ये सब जो है रिंगर ये मतलब स्मार्टफोन में बड़ा फ़ोन में यूज होता है। तो जो भी फ़ोन में जिस तरह का रिंगर स्पीकर लगा हुआ है उसको उसी तरह से सेम आप लगा दें तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, परफेक्ट बैठ जाएगा और सही से अपना काम करेगा। और ये जो रिंगर स्पीकर है उसको कैसे हम चेंज करें, कैसे बदली किया जाता है वो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर इसमें जो है मेरे पास बहुत तरह के इसमें रिंगर हैं, तो इसमें जो है दो तरह के होते हैं, दो तरह के इस तरह से होते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो है MI के 5A का है, तो यहाँ पे ये जो है इसमें कवर में ही सेट रहता है, जैसे ये स्पीकर है तो ये स्पीकर कुछ इस तरह से सेट रहता है,
किस तरह से सेट रहता है यहाँ पे, और जब ये स्पीकर ख़राब हो जाएगा किसी कारण, तो यहाँ पे इसको हम बहुत ही ईजी तरीके से इसको निकाल देंगे, और यहाँ पे जो नया वाला जो स्पीकर यहाँ पे, इसको यहाँ पे इसी तरह से हम सेट कर देंगे। तो फिर यहाँ पे जब सेट करेंगे तो ये जो है आपका परफेक्ट हो जाएगा और काम करेगा। इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसका जो दो पॉइंट है वो यहाँ पर अगर इधर आप लगाएंगे तो यहाँ पे इधर से कनेक्ट होगा, तो वहाँ पे लगाएं। अगर ये पॉइंट आपका इधर से कनेक्ट होता है तो ये जो है यहाँ पे लगाएं, वो पॉइंट आप देख के लगाएंगे तो जो है आपका एक बार में काम करेगा। नहीं तो अगर पॉइंट यहाँ पे है और ये इसका जो है पॉइंट यहाँ पे चल जाएगा तो वो सही से कनेक्ट नहीं होगा और फिर सही से काम नहीं करेगा। तो इसी तरह से इसमें स्पीकर चेंज होता है, और कोई फ़ोन में जो है साथ में ही आता है, जैसे कि यहाँ पर दो इसमें है। अगर ये अलग अलग मॉडल का अलग अलग टाइप का रहता है स्पीकर, ये अगर स्पीकर ये रिंगर ख़राब हो गया तो ये जो है पूरा चेंज करना होगा क्योंकि इसमें जो है यहाँ पे पूरा सील रहता है, पैक रहता है। इसको आप अलग करके चेंज नहीं कर सकते, अगर अलग करके चेंज करेंगे तो ये आपको जो है डैमेज हो सकता है। तो अगर इस तरह का मार्केट में लेंगे तो आपको जो है 70 से 80 रुपये के आसपास आ जाएगा, आप कस्टमर से 200-250 तक ले सकते हैं। तो इसी तरह से है, और फिर इसमें जो है ये आप रिंगर लेंगे तो जो है 25-30 रुपये के आसपास में आ जाएगा। तो अलग अलग टाइप का अलग अलग फ़ोन में जो है अलग अलग तरह के रिंगर लगे हुए रहते हैं, तो जो फ़ोन में जिस तरह का रिंगर लगा हुआ है उसको आप उसी तरह से मैच करके मॉडल बाय आपको देख के कौन सा मॉडल है उस तरह से आप वही मॉडल का आप लाएंगे मार्केट में जाके, वही मॉडल का मांगेंगे तो आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपका परफेक्ट जो है सेटिंग भी आ जाएगा और परफेक्ट जो है काम भी करेगा। अब यहाँ पे जो मैं चौथा बॉक्स है उसका जो यहाँ पे उसमें जो भी चीज़ है मैं आपको उसका बता देता हूँ। तो मेरे पास जो है ये चौथा नंबर का बॉक्स है, और इस बॉक्स में मेरे पास जो है यहाँ पे सिम सॉकेट, और यहाँ पे पावर स्विच, वॉल्यूम स्विच, और यहाँ पे माइक यहाँ पे है, और यहाँ पे पावर बटन सब इसमें लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या चीज़ है एक एक करके हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं। मेरे पास जो है ये कीपैड फ़ोन में जो है ये सॉकेट सिम सॉकेट लगता है, इसमें जो है सिम कार्ड लगता है, तो जो कि इसका जो है ना ही मेरा तो बोल सकते हैं कि इसका नहीं यूज हुआ, क्योंकि ये कीपैड फ़ोन में है और एक दो कभी काल में लगाया होगा लेकिन उससे ज़्यादा यूज नहीं हुआ है। तो इस तरह का सॉकेट आप अभी बिल्कुल नहीं लें, क्योंकि ये आप लेंगे तो आपको पूरा के पूरा वेस्ट हो जाएगा, ये आपका यूज में नहीं आएगा। ये जो है यहाँ पर मेरा ये मेमोरी का सॉकेट है इसमें रखा हुआ है, और यहाँ पर जो है मेरा इसमें सिम सॉकेट रखा हुआ है। तो सिम सॉकेट भी आपका जो है बहुत ही कम यूज होगा, उतना जो है सिम सॉकेट नहीं टूटता है, और अगर टूटता भी है तो एक पिन आप इसको सिर्फ जो टूटेगा वही पिन निकाल को वही लगा देंगे, उससे है आपका काम मतलब समय में काम भी हो जाएगा और जल्दी भी होगा और इजी भी होगा। तो यहाँ पे सिम सॉकेट है, तो अलग अलग टाइप का अलग अलग सिम सॉकेट होता है, तो जहाँ पे जिस टाइप का सिम सॉकेट लगा हुआ है वहाँ पे उसी तरह से मैच करके सिम सॉकेट आप लगा सकते हैं। और ये जो है मेरे पास सैमसंग के जो सैमसंग J2 J5 J7 बोला होम बटन है, जो कि बीच में जो बटन रहता है वो बटन मेरे पास है। अगर यहाँ पे बटन किसी का नहीं रहा, टूट गया, खो गया, तो उसके लिए यहाँ पे लगा सकते हैं, उसके लिए मैं यहाँ पे ला के रखा हूँ। और इसी तरह से यहाँ पे ये अलग टाइप का जो है ये भी सिम सॉकेट ही है, ये भी सिम सॉकेट यूज नहीं होता है, तो इसका भी आप मत लें। यहाँ पर जो है मेरे पास जो है यहाँ पर 2-3 तरह की इसमें जो है सिम सॉकेट है, और ये जो सिम सॉकेट है ये जियो फोन का है, तो जियो फोन का जो है थोड़ा बहुत यूज होता है, तो इसका भी आप रखें तो 5 पीस ज़्यादा से ज़्यादा रखें, क्योंकि इसका भी यूज है लेकिन जो है 2-5% ही इसका काम आता है। और यहाँ पे जो है अब यहाँ पे मेरा इसमें बच गया, यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास इसमें वॉल्यूम स्विच और पावर स्विच है। तो जब भी कोई भी फ़ोन का वॉल्यूम बटन पावर बटन ख़राब हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर हम आपको फ़ोन में दिखा दे, जैसे कि यहाँ पे ये फ़ोन में है और ये फ़ोन का यहाँ पे देखिए इसमें पावर स्विच, यहाँ पे पावर बटन है, और फिर यहाँ पे वॉल्यूम माइनस है, वॉल्यूम प्लस है। तो अगर ये बटन ख़राब हो जाता है या फिर फ्लेक्स मतलब जल जाता है, तो इसको यहाँ पे मार्केट में आप लेंगे मॉडल बाय बोल के कि इसका पावर स्विच दीजिए, तो यहाँ पे इस तरह से मिल जाएगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये पूरा चेंज होता है। तो इस मार्केट में बहुत ही आसानी से सभी तरह के मॉडल में इस तरह का रहता है, तो सभी फ़ोन का आपको जो है मार्केट में अवेलेबल रहता है। तो यहाँ से इसको कुछ इस तरह से इसको निकाल देंगे, कुछ भी कट ऑर्डर की सहायता से निकाल देंगे, और फिर नया वाला जो है उसको यहाँ पे चिपका देंगे, यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, तो ये जो है आपका हो जाएगा। तो इसी तरह से जो है ये मेरा जो है फ्लेक्स, इसमें पावर स्विच है, वॉल्यूम स्विच है, सभी तरह के अलग अलग मॉडल का अलग अलग तरह के आते हैं। और इसी तरह के जो है ये वाला है, ये MI 5A 4, ये उसमें और फिर या फिर किसी के फ़ोन में जो जैसा रहा उसके हिसाब से सभी मॉडल बाय मॉडल इसमें आता है। तो यहाँ पे जो है मेरा इसमें अलग अलग मॉडल का है, यहाँ पर देख सकते हैं इसमें जो भी मेरे पास पावर स्विच जो है यहाँ पे पावर स्विच, वॉल्यूम स्विच, सभी भी जो है वॉल्यूम, यहाँ पे पावर स्विच, वॉल्यूम माइनस, वॉल्यूम प्लस, यहाँ पे जो है 3 तरह के जो है तो एक ही में है। और ये अलग अलग मतलब कंपनी के अलग अलग मॉडल के यहाँ पे जो है स्विच है, तो जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो वो आप मार्केट से ला सकते हैं, आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ऐसे सभी का स्टॉक में आपको रखना नहीं ज़रूरी है, अगर ये ख़राब होता है तो यहाँ पे जंग लग जाता है, उसको यहाँ पे
क्लीन कर देंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और जब इस तरह का जब आपका जो स्विच रहेगा, जैसे कि इस तरह का जो बटन लगा हुआ रहेगा, जैसे कि ये फ़ोन में यहाँ पे इसी तरह के बटन लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इसी तरह के बटन लगा हुआ है, तो ये जो बटन है जब इस तरह के लगा हुआ रहता है तो ये बटन जो है अलग से मिलता है। तो सिर्फ ये बटन आप रखें, इसको यहाँ पे आयरन के ऊपर रख देंगे तो ये यहाँ पे पिघल जाएगा और फिर ये आसानी से इसको रिमूव कर सकते हैं और फिर इसको नया वाला आपको लगा सकते हैं। इसका भी वीडियो जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा इस चैनल पर। तो इसी तरह से यहाँ पे जो है अलग अलग टाइप के जो है यहाँ पे बटन है, और उसी तरह से ये भी बटन है, ये सोल्डिंग वाला है जो कि पहले चलता था, अभी जो है इसका यूज ना के बराबर है, और यही चीज़ यहाँ पर भी है। और ये जो मैं बटन यहाँ पे बोल रहा था कि जो यहाँ पे बटन, इसको आप चेंज कर सकते हैं, इस तरह का जो बटन है उसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो ये जो बटन है ये यहाँ पे इस तरह से अलग से बटन आता है, तो ये बटन को वहाँ पे आप लगा सकते हैं, और यहाँ पे बटन हो गया। और फिर मेरे पास जो है यहाँ पे माइक है, ये जो माइक है इसको हम यूनिवर्सल माइक बोलते हैं, चाइना माइक, जो कि दो तार वाला रहता है, एक प्लस और एक माइनस में बोर्ड में जोड़ देना होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे जो भी कीपैड फ़ोन, ज़्यादातर जो है कीपैड फ़ोन में एक माइक रहता है, एक यूनिवर्सल माइक लगता है, या फिर किसी किसी एंड्रॉयड फ़ोन में भी लगता है। तो यहाँ पे दो तार रहता है, एक प्लस एक और एक माइनस। तो यहाँ पर जो है प्लस यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, प्लस के साइड में एक तार जोड़ दें, एक तार माइनस के साइड में जोड़ दें। अभी जो है मैं यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि इसको क्या बोलते हैं और ये कहाँ पे किस तरह से लगता है। इसका जो है पूरा प्रोसेस, पूरा डीपली नॉलेज, इसको रिपेयर करने का तरीका, सब चीज़ जो है आपको आगे की वीडियो में देखने को मिलेगा, आगे की क्लास में। तो अभी जो है सिर्फ मैं यहाँ पर ऊपरी में यहाँ पर मैं नॉलेज दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है इस तरह से माइक यहाँ पे जो है दो तार वाला जुड़ता है, ज़्यादातर जो है कीपैड फ़ोन में यही वाला माइक जो है यूज होता है, और ये माइक जो है ज़्यादातर मतलब रिपेयरिंग के लिए आते हैं। तो ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी क्वालिटी का माइक रखना है। और इसी तरह से माइक जो है मेरे पास यहाँ पे दो पैकेट है, और यहाँ पर जो है थोड़ा लंबा तार वाला है, किसी किसी कीपैड फ़ोन में, आपको को एंड्रॉयड फ़ोन में, उसमें जो है लंबा तार वाला जो है उसमें माइक यूज होता है, ये कम यूज होता है लेकिन यूज होता है। और यहाँ पर जो है मेरे पास यहाँ पे इस यही वाला माइक, इसको जो है यहाँ पे सोल्डिंग में इसको करके इसमें करना पड़ता है, जैसे कि जो कि नोकिया के कीपैड फ़ोन में इस तरह के माइक लगता है, या फिर जियो के फ़ोन में जो है इस तरह के माइक लगता है। यहाँ पे जो है ये माइक की जगह इसको भी आप लगा सकते हैं, और इसके जगह पर जो है ये वाला नहीं लगेगा, इसके जगह पर आप ये माइक लगा सकते हैं, दो तार जो है प्लस और माइनस जोड़ सकते हैं। प्लस जो है आपको बीच में जोड़ना है, जो कि बोर्ड के आपका बोर्ड में अब रहेगा कनेक्शन, और माइनस जो है साइड में आप जोड़ सकते हैं। और इसी तरह से जो है और माइक है मेरे पास, जैसे यहाँ पे इसको जो हम क्रिस्टल आईसी माइक बोलते हैं, इसको डिजिटल माइक भी बोल सकते हैं। तो ये माइक में जो है अलग अलग तरह के मॉडल आते हैं, सभी फ़ोन के अलग अलग तरह के मॉडल आते हैं। इसमें किसी किसी में 3 पिन का रहेगा, किसी किसी में यहाँ पर 5 पिन है, और फिर को 4 पिन भी रहेगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर 4 पिन है। तो इस सब में जो है अलग अलग मॉडल का अलग अलग उसमें रहता है। तो इसी तरह से यहाँ पे जो है माइक है, तो जो भी आप माइक यहाँ पे जिस तरह से निकालें, अगर कहीं पे 4 पिन वाला निकालें तो वहाँ पे 4 पिन का ही माइक लगेगा, कहीं पे जो है आपका 5 पिन वाला माइक अगर वहाँ पे निकला हुआ है, जैसे कि ये सब आपका जो 6 पिन वाला अगर माइक निकला हुआ है तो 6 पिन का लगेगा, किसी में ये वाला मॉडल आपका माइक आपका निकला हुआ है तो वहाँ पर वही लगेगा। तो जो भी मॉडल है जहाँ पे जिस तरह से आपका लगा हुआ है बिल्कुल वहाँ पे उसी तरह से आप लगाएं, आपका परफेक्ट जो है काम करेगा। यहाँ पर जो है कुछ इसमें अलग टाइप का ये बटन रहता है, तो ये बटन और ये बटन जो है दोनों अलग अलग है। अलग अलग इसमें क्या है, क्योंकि इसमें जो है एक साइड में मान के चलिए इसका अलग कनेक्शन रहता है, इसमें एक साइड में अलग कनेक्शन रहता है, और इसमें जो है ये दोनों इधर वाला साइड में एक कनेक्शन है, इसमें इधर वाला जो है दोनों एक कनेक्शन है। तो जब भी यहाँ पे इस तरह का बटन आप रिप्लेस करेंगे तो वहाँ पे जिस तरह से बटन लगा हुआ है, इसके जगह पे इसको नहीं लगा सकते, इसके जगह पे इसको नहीं लगा सकते, तो जहाँ पे जो बटन लगा हुआ है वहीं पे लगाएं। इसका भी हालांकि एक वीडियो जो है आपको पूरा डीपली नॉलेज के साथ में इस चैनल पर आपको मिल जाएगा, तो इसको भी आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में यही था दोस्तों, आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ भी कन्फ्यूजन रहता है, कुछ भी आप कमेंट उसमें अपना राय देना चाहता तो बिल्कुल दें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।